ओम संजू रायकर जी, ये लोलियन गोवा से हैं और हॉट सीट पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको ओम संजू जी। धन्यवाद सर। और इससे पहले कि आगे बढ़े, आप कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए हैं? मेरे पिताजी पिताजी रायकर जी। नमस्कार सर, प्रणाम करता हूँ आपको और इनके लिए तालियां बज जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो अपने बारे में कुछ बताइए, आप आजकल आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? अभी सर मैं फिलहाल दिल्ली के यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर बीबीए स्टूडेंट हूँ और उसी के साथ साथ मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, मतलब मैं एक ड्रमर हूँ। मैं वेस्टर्न ड्रमर हूँ, जो फाइव पीस ड्रम किट होता है वो मैं बजाता हूँ और उसके साथ साथ थोड़े बहुत परकशन इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता हूँ जो मैंने स्कूल में सीखे हैं। और मैं वेरियस आर्टिस्ट अकूस्टिक गिग्स वगैरह उन सब पर जाके परफॉर्म भी करता हूँ। एक मेरा कॉलेज का भी बैंड है, मेरी एक कॉलेज की म्यूजिक सोसाइटी भी है, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जिसके अंडर अभी मैं उनका परकशन हूँ। अगर उनके साथ कोई क्लब्स में अकूस्टिक गिग्स हो या फिर उनके अगर उनका भी कोई बैंड हो, उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो कभी कभार मैं पूरी कर देता हूँ। अभी तक तो सेल्फ ट्रेंड हूँ, आगे चल के कुछ लेना हुआ तो मतलब एक होता है ना, आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए जी जी कुछ किसी की गाइडेंस तो चाहिए होती है। जैसे अगर आप किसी को एक्टिंग सीखना तो आपसे आके सीखेगा? नहीं नहीं, हमसे मत सीखेगा। ओम संजीव जी, ज्ञान आपका आप खेल की ओर आ जाए जिसकी वजह से आज आप हॉट सीट पर बैठे हैं। रूल्स तो आपको पता ही है, वो हम नहीं दोहराएंगे। सो लेट्स प्ले, कौन बनेगा द्रौपदी। ओम संजू जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 1,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि आपने किसी व्यक्ति से प्राप्त संदेश किसी अन्य व्यक्ति को भेजा है? Which of these words refers to sending a message you have received from one person to someone else? Okay? Option सुनिए, A. Spam, B. Reply, C. Block, या D. Forward. स्पैम तो वो होता है जो अनवांटेड मैसेज आते हैं, ब्लॉक तो मतलब आपने उसको कंप्लीट हटा दिया, रिप्लाई तो उसी को करते हो आप, सेंडिंग मैसेज यू हैव रिसीव फ्रॉम वन पर्सन टू समवन एल्स। डी फॉरवर्ड, क्या करें, ब्लॉक कर दिया जाए, डी पे ताल लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से कौन सा स्थान सबसे उत्तर में स्थित है? Which of these places located the northernmost? All right, A. Mumbai, B. Jaipur, C. Bengaluru, या D. Kochi? सर मुंबई तो जहाँ पे अभी हम स्थित है, बेंगलुरु थोड़ा नीचे है, कोची तो मतलब, तो इसका आंसर होगा B. जयपुर। आप इसको ताला लगा दीजिए। B. जयपुर पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए रेडी होंगे? जी। ऑलराइट, ये एक तस्वीर दिखा करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और ऑप्शन जाएंगे आपके सामने। इनमें से किस चित्र में एक खिलाड़ी ने टिक टैक टो का खेल जीत लिया? ओके, इन विच ऑफ दीज अरेंजमेंट्स हैज अ प्लेयर वन अ गेम ऑफ टिक टैक टो? ये तस्वीर देखिए, ये चार तस्वीरें हैं, इमेज ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सर डायगनली या फिर हॉरिजॉन्टली, अगर आपको वर्टिकली भी कोई भी खिलाड़ी ने अगर सेम क्रॉस मार दिए या फिर सेम सर्कल मार दिए तो वो जीत जाता है। तो डायगनली अगर हम देखा जाए तो इमेज ऑप्शन सी इसका सही आंसर बन रहा है। right. तो आप इसको ताला लगा दीजिए, इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगा जाए। यस, इज द राइट आंसर। आ गया है पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। रेडी हो संजू जी? जी सर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, गोवा में 3 दिसंबर किस संत के पर्व के रूप में मनाया जाता है? द 3rd of December इज सेलिब्रेटेड इन गोवा एज द फीस्ट ऑफ विच सेंट? ऑप्शन ए सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयला, बी सेंट जोसेफ ऑफ बाज, सी सेंट थॉमस द अपोस्टल, डी सेंट फ्रांसिस जेवियर। डिसंबर सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयला, सेंट जोसेफ बास, सेंट थॉमस द अपोस्टल, सेंट फ्रांसिस जेवियर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, सेंट फ्रांसिस जेवियर। डी पे ध्यान लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये
ये एक इमेज प्रश्न है ओम संजू जी। प्रश्न है कि इस डाक टिकट में कौन सा शब्द छुपा दिया गया है? राइट, व्हाट वर्ड हैज बीन ब्लैंक्ड आउट फ्रॉम दिस स्टैम्प। यू सी द पिक्चर प्लीज। एक ब्लैंक है विजय है और एक है कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्लैंक। डेट लिखा है 29/5/53। ऑप्शन सुनिए, ए एवरेस्ट, बी कैलाश, सी के टू, डी अन्नपूर्णा। सर 29 मई 1953 का ये स्टैम्प मेरे को लग रहा है और पहाड़ों से उस टाइम पे एवरेस्ट ही मेरे दिमाग में आ रहा है, तो क्योंकि अन्नपूर्णा कैलाश पर्वत तो आज तक कोई चढ़ नहीं सका, तो उसका कॉन्क्वेस्ट तो हो नहीं सकता, विजय उस पर प्राप्त नहीं करी जा सकती। के टू बहुत बार हुआ है, लेकिन आई वुड लाइक टू गो विथ ए एवरेस्ट। ताला लगा दीजिए। ए एवरेस्ट पे ताला लगा जाए। इट इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। मान्यवर आ गया है नवा प्रश्न, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऐसी बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें कम संख्या में किंतु दो से अधिक कंपनियां हों, जिनमें से कोई भी दूसरे को हावी होने से नहीं रोक सकती। व्हाट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर Having a small number of firms, more than two, none of which can keep the other from dominating, called? What is that structure called? A. Monopoly. B. Duopoly. C. Oligopoly. D. Metapoly. Market structure having small number of firms, मतलब एक market है, जैसे उसकी अर्निंग्स एक्स नंबर ऑफ अमाउंट में हो रही है, दूसरे की भी उतनी हो रही है। इस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है। आंसर मेरे को श्योर है, अगर होगा तो ए हो सकता है, बट रिस्क लूँगा तो मतलब अंदर अंदर मेरे को लग रहा है कि रिस्क ले रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा उधर जा रहा है, बट आई वुड लाइक टू टेक अ लाइफ लाइन। और शांत हो जाइए बागमती जी, तीनों लाइफ लाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी ओलिगोपोली को सबसे ज्यादा 54%। क्या करना चाहेंगे? गो विद द ऑडियंस। फोर्टी और 50 का उन्होंने अंतर बताया, कहीं मेरा सुन के मोनोपोली, तो डबल डिप लेना चाहूंगा मैं फिर से। हाँ जी, एक और संतुष्ट नहीं। ओके, डबल डिप, शांत हो जाइए, डबल डिप लेंगे ये, इसको अंकित कर दिया जाए। मनीवर, आप जानते हैं अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते, दो अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर जो पहले ऑडियंस से बोला था मैं सी करूंगा। सी ओलिगोपोली, सी पे ताला लगाया जाए। सर आपको जनता पे विश्वास नहीं था, ये सही जवाब है। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। दसवां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में किस राजवंश के दौरान निर्मित मंदिरों को 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? The temples built during the rule of which of these dynasties were declared a UNESCO World Heritage Site in the year 2023? Alright? Options A. चेर या चेरा, बी चालुक्य, सी पाल, डी होयसल। अभी रिसेंटली ही, मतलब कुछ महीनों पहले ही
टेम्पल का नाम ही उसका जो जिन्होंने डिक्लेयर किया था वो था, थोड़ा मैं श्योर हूँ, मतलब काफ़ी श्योर हूँ, बट इसका आंसर डी होयसला होना चाहिए। डी होयसला को लॉक कर दिया जाए। डी कह रहे हैं, डी होयसला या डी होयसल, इस पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया और आपके नाम का एक चेक आ रहा है तालियां बजाने के लिए। $3,20,000 का चेक। ओम संजय जी।